पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, पंजाब में अब कोई आतंकी नहीं मांगेगा खालिस्तान। खालिस्तानी दे रहे थे तरह तरह की धमकी, अचानक से खुद पंजाब पहुंच गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सामने बैठे थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भड़क गए पीएम मोदी, कर दिया बड़ा ऐलान। जमीन हो या फिर आसमान, जहां भी हो खोज कर खालिस्तान का झंडा फहराने वालों को सजा मिलेगी। अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है, एक आदेश का इंतजार है। सिर्फ 12 घंटे चाहिए और देश के दुश्मन धुआं हो जाएंगे। जिस ऑस्ट्रेलिया के दम पर खालिस्तानी उछल रहे थे और पंजाब को खालिस्तान बनाने का सपना पाल कर बैठे थे, मोदी के इकबाल से हर खालिस्तानी का अब खात्मा होने वाला है। उधर पीएम मोदी ने ऐलान किया और इधर अमृतसर को खालिस्तानी अपना गढ़ समझते थे, वहीं खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने काफिले के साथ पहुंच गई और इशारा कर दिया कि अब क्या होने वाला है। खालिस्तानियों के नई सरगना बन चुके अमृतपाल सिंह ने कहा था कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी, हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या फिर भगवंत मान। खालिस्तानियों के नए सरगना बन चुका अमृतपाल सिंह का यही वो बयान है जिसके बाद से मोदी शाह के टारगेट में खालिस्तानी आ गए हैं। खालिस्तान की मांग करने वाली इससे पहले भी इंदिरा गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बीएन सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एस बैद की हत्या करवा चुके हैं, इसलिए इस बार मोदी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले ज्यादातर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हैं और वहीं से पंजाब में आग लगा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तान करता है क्योंकि पाकिस्तान पंजाब से जुड़ा हुआ है। खालिस्तानी समर्थक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में वहां के हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। इधर जब पंजाब में अमृतपाल जैसे लोग खालिस्तान की हवा दे रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर हमला हो रहा था। कुछ दिन पहले यहां पर खालिस्तानियों को बढ़ावा देने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ इस वक्त मदद मांगने के लिए भारत आए हैं। इस मौके पर पहले से खालिस्तानियों को लेकर गुस्सा चल रहे पीएम मोदी ने एल्बनीज़ के सामने ही आग बबूला हो गए और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और एल्बनीज़ के बीच दोनों देशों को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद पीसी हुई। पीएम मोदी ने पहले खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और एल्बनीज़ का भारत में उन दौरे से पहले स्वागत किया, लेकिन फिर मोदी का गुस्सा फूट पड़ा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी के सामने ही खालिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा मंदिरों की तोड़फोड़ को लेकर चेतावनी दी जा रही थी, इस बात को दुख जताया गया। पिछले कुछ सप्ताह से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें आ रही हैं और ये नियमित रूप से आ रही हैं। जो पीएम ने कहा कि ये हमारे मन को व्यथित करने वाली खबरें हैं। आखिर अब क्या हो रहा है? आप यकीन मानिए किसी देश के सामने उसके देश के बारे में ऐसी बातें सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया के पीएम को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी खालिस्तानियों का इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मोदी साहब पंजाब में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी हफ्ते करीब 2000 केंद्रीय सैनिकों को पंजाब भेजा है। लेकिन सबके बीच जिस अमृतसर को खालिस्तानी अपना गढ़ बताने की कोशिश कर रहे थे, वहां अचानक से द्रौपदी मुर्मू ने पहुंचकर सबको चौंका दिया। द्रौपदी मुर्मू पहले स्वर्ण मंदिर पहुंची, इसके बाद जालियांवाला बाग का भी दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा बेहद ही खास है और खालिस्तानियों को यह बताने की कोशिश की गई है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा अंत होने का वक्त आ गया है। पीएम मोदी को दोस्त तोड़ने वाले के प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।